देखिए, हमने 60 फंदे उठा के रखे हैं। यह हमारी बैक पार्ट है। अभी हम बैक पार्ट से पहले शुरू करेंगे, तो चलिए पहले हम रिब बॉर्डर बनाते हैं। देखिए, इस रिब बॉर्डर के लिए पहले हम दो उल्टे दो सीधे ऐसे करके ये रॉ फर्स्ट रॉ पूरी करेंगे। दो उल्टा, फिर दो उल्टा, देखिए दो सीधा। इसी तरह हम ये रॉ पूरी कर ले। उसके बाद आपको फ्रंट साइड के सेकंड रो में हम आपको डिज़ाइन को दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे सेकंड रो है। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा, उसके बाद दो उल्टा, अभी ये फ्रंट साइड है इसीलिए हम इस पर डिज़ाइन डालेंगे। देखिए डिज़ाइन का, इस डिज़ाइन में ये हमारा डिज़ाइन जो है, हमने हमारी पिछली वीडियो में, बहुत दिन पहले एक वीडियो में छोड़ा है जो हमारी चैनल में है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। हम यहाँ पर सिर्फ वन रॉ दिखाएंगे। ये जो दो सीधा है इसका हम पहले को छोड़ के दूसरे को बुनाई करेंगे। उसके बाद जिसको छोड़ा था उसको बुनाई करेंगे। इसी तरह हम तो सीधा ऐसे बनाएंगे, उल्टा में हम सादी ऐसे ही बनाएंगे। ये उल्टी है, इसे हम दोनों उल्टा ऐसे ही लेंगे। हर बार फ्रंट साइड में हर बार सीधी हम इसी तरह लेंगे। देखिए इस तरह आएगा, इसी इस तरह हमारा, देखिए डिज़ाइन कुछ ऐसा आएगा जो हमारे पास सैंपल है, दिखाते हैं। देखिए डिज़ाइन जो है इस तरह, ये बॉर्डर इस तरह आएगा। ये बॉर्डर दिखने में बहुत ही सुंदर है। तो सीधी हम में हम डिज़ाइन को पलटेंगे, उल्टी हम सादी को हम ऐसे ही बनाएंगे। जो उल्टी है उसे हम ऐसे ही उल्टी बुनाई करेंगे, ठीक है। जब हम टू फंदे हमारा सीधा है, देखिए इसको हम इसी तरह पलट कर बुनेंगे। सेकंड को पहले और फर्स्ट को उसके बाद सेकंड में, ठीक है। दो उल्टा ऐसे ही, इसी तरह हम ये रिब बॉर्डर बनाते जाएंगे। और देखिए पहले ढील कर लीजिएगा, उसके बाद बुनाई। उल्टी को ऐसे ही उल्टा, इसी तरह हम ये रिब बॉर्डर 2 इंच तक बुनाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिब बॉर्डर जो है, आपने छोटे बच्चे का है इसीलिए आप इसे 2 इंच तक बुनाई करेंगे। छोटा बड़ा सभी का बॉर्डर थोड़ा 2 और 2.5 इंच ही होता है, तभी अच्छा होता है। देखिए बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। हम इसे 2 इंच तक बुनाई कर ले। देखिए यहाँ तक 2 इंच आपका होता है, देखिए इतना इतना बुनाई कर ले। उसके बाद हम आपको इन फंदे इंक्रीज कराएंगे, 10 फंदे इंक्रीज कराएंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन डाल के आपको दिखाते हैं। पहले हम 2 इंच तक इसको बॉर्डर को बुनाई कर ले। देखिए
हमारी बैक पार्ट की रिब बॉर्डर जो पूरी हो गई, अब हम इस पर फंदा इंक्रीज करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन डालेंगे। फंदा इंक्रीज करने के लिए इस क्या होता है, पहले रिब बॉर्डर आप पूरी करो, उसके बाद आप उल्टी रॉ बुनाई करो। ये हम पूरा उल्टी रॉ बुनाई करेंगे। अभी हम आपको भी रिब बॉर्डर के बाद उल्टी रॉ पूरी करनी होती है, इसी तरह देखिए, सिर्फ उल्टी रॉ में हम सिर्फ उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए सिर्फ उल्टी, अभी हम रिब की टाइप नहीं बुनेंगे, सिर्फ उल्टी बुनाई करते जाएंगे। इसी तरह हम ये पूरी कर लें, उसके बाद आपको जब हमारा सामने का सीधा आएगा तब हम इंक्रीज करेंगे फंदा और डिज़ाइन, उसके बाद डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, ये रॉ हम पूरी कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने उल्टी बुनाई पूरी की, अभी हम सीधे तरफ हैं। देखिए इस सीधी में अभी हम 10 फंदा इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने का तरीका हमने हमारा चैनल पे डाला था, आप वो भी कर सकते हो, या फिर हम अभी जो करेंगे वो भी कर सकते हो। तो आपको पहले ही डिवीजन कर लेना होगा, 10 फंदे आपको बराबर से इंक्रीज करना होगा। जैसे टू साइड में 1 1 1, इसी तरह 1 2 3 4 5, मिडिल पोर्शन से इस तरफ का 5, इस तरफ का 5, बराबर से होनी चाहिए। देखिए शुरू में एक, उसके बाद एक, ये जो बॉर्डर है इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है यहाँ पर। तो आप एक एक छोड़ के, ठीक है, मिडिल में 10 फंदे इंक्रीज करेंगे। तो अभी हम आपको पहले इंक्रीज करके दिखाएं, अभी हमारी सीधी बुनाई चलती रहेगी, हमें अभी से सीधी बुनाई में इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर रेक करेंगे, देखिए उनको सामने लीजिए और इसी तरह बुनाई। देखिए एक हमारा इंक्रीज हो गया, ये एक तरीका है, या फिर सामने करके पीछे एक बार बुनाई कीजिए, उसके बाद इस सामने एक बार बुनाई कीजिए। देखिए एक इंक्रीज हुआ, दो तरीका आपको हमने बताई। और एक तरीका है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन को ऐसे ही उठा लीजिए, इसको एक बार बुनाई कीजिए, उसके बाद जो था आपका फंदे उसको। ये भी आसान तरीका है और इसमें दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो आप ये ही करने की कोशिश कीजिएगा। एक हो गया, फोर फाइव सिक्स, हम 10 फंदे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमारा 60 फंदे हैं, इसीलिए हमने डिवीजन कर लिया 6 × 10, या फिर 6 फंदा छोड़ छोड़ के एक इंक्रीज करो। देखिए नीचे का जो ये होता है उठा लीजिए, 1 2, अभी हमारा 2 इंक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 करके, 5 के बाद देखिए नीचे का उठाया, यही अच्छा आसान तरीका है। 3 1 2 3 4 5, नीचे का उठाया, 1 2, देखिए हमारा 4 फंदे इंक्रीज हुआ। अभी हम मिडिल में आ रहे हैं, यहाँ पर एक करेंगे, ठीक है। इसी तरह फंदे पूरा हम इंक्रीज कर ले, उसके बाद आपको डिज़ाइन डाल के दिखाते हैं। देखिए हमने फंदे इंक्रीज करने के बाद डिज़ाइन डाल के, देखिए 10 इंच तक बना ली। अभी हम 10 इंच के बाद, देखिए 10 इंच तक बना ली हमने, अभी हम आपको आर्म होल बना के दिखाएंगे। देखिए ये सीधा है, सीधे में हम 2 करके, 1 2, देखिए 2 करके इस तरफ से पीछे लेके, 1
फिर इधर डालेंगे 2, फिर इधर डालेंगे, फिर और एक बार लेंगे। इसी तरह हम 3 बार करेंगे, छोटा बच्चा है इसीलिए 3 टाइम्स। अभी हम ये सीधा सिलाई पूरा करेंगे। पहले मैं सीधा सिलाई पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी सीधी पूरी हो रही है, ये 3 बाकी है। देखिए ये हमारा पूरा हो गया, हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाए। अभी सीधा बुनाई के बाद उल्टे में आए। ये हमारा देखिए राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट। अभी हम ये लेफ्ट में घटाएंगे 3, वैसी तरह उस तरफ हमने सीधे में घटाया था, तो इस तरफ उल्टे में। देखिए दोनों को एक साथ लेके 1, देखिए फिर इधर डाल के 2 टाइम्स निकाल लिया, फिर इधर डाल के दोनों को एक साथ 3 टाइम्स। इसी तरह इधर भी हम 3 टाइम किया। उसके बाद हम इसकी पूरी उल्टी बुनाई करेंगे। ये उल्टी बुनाई के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा उल्टी सिलाई पूरी हो रही है, ये देखिए हो गई। देखिए अभी हम देखिए सीधे में आ गए। यहाँ पर पहले 3 हुआ था, अभी हम 2 घटाएंगे। देखिए इधर से 1 2, देखिए दोनों को एक साथ लेके 1, फिर एक साथ लेके देखिए 2, देखिए हो गया 3 to 5। जो हमने यहाँ पर 10 इंक्रीज किया था वहाँ पर 5 हो गया। अभी हम फिर से सीधी बुनाई करेंगे, फिर उल्टे में 2 घटाएंगे। ये हम सीधी बुनाई पूरी कर ले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी सीधी रॉ पूरी हुई। अभी उल्टे में हम उसी तरह 2 फंदे घटाएंगे, दोनों को एक करके 1 और ये 2। अभी हमारा 5 फंदे, इधर का 5 और इधर का 5, 10 फंदे जो हमने इंक्रीज़ किया था वो अभी घट गया है। अब हम उल्टी बुनाई करेंगे, उसके बाद ये बुनाई करते रहेंगे। हमारा देखिए आर्म होल बन गया। अभी हम इसके ऊपर, ये हमारा बैक पार्ट है, अभी हम 8 इंच तक बुनाई करेंगे। ये डिज़ाइन डाल के ही देखिए इतना होता है 8 इंच। देखिए यहाँ से 8 इंच तक बनाएंगे, आपके हाथ की देखिए 8 इंच बनाएंगे। ये 1 ईयर बेबी है, इसीलिए हम पूरा 8 इंच ही बनाएंगे। अगर आप 3-4 ईयर बेबी के बनाओगे तो आपको 9 इंच या फिर 9.5 तक बुनाई करना होगा। ठीक है, अभी हम डिज़ाइन, यही डिज़ाइन डाल के 8 इंच तक बना के आपको दिखाते हैं। बना ले, देखिए आर्म से हमने देखिए 7 इंच 7 इंच तक हमने बुनाई की है आर्म। देखिए यहाँ के आर्म होल बनाने के बाद हमने ये 1 से 2 ईयर बेबी का है, यहाँ से देखिए 6.5-7 इंच बनाएंगे। अभी हमारा शोल्डर बनेगा, ये बैक पार्ट है हमारा, अभी हम शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर के लिए हमें क्या करना होगा, हम दोनों साइड में देखिए इस साइड में राइट और लेफ्ट दोनों साइड में 20 करके फंदा रख के मिडिल का जो है साड़ी बंद कर देंगे। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा उल्टी तरफ है, हम उल्टी तरफ से करेंगे। 20 फंदे हम ऐसे ही सादी
लेंगे उल्टी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारा डिज़ाइन में है, ये गिनती में नहीं आता। 16, 17, 18, 19 और अभी 20 आ गया। गिनती कर लें एक बार। ठीक है, अभी हम ये मिडिल का पोर्शन बंद करेंगे। इधर भी हम 20 छोड़ देंगे। पहले हम बंद करें। देखिए हमें बंद करना कैसा होता है, उल्टी तरफ है इसीलिए हम उल्टी बुनाई करेंगे। दोनों को एक साथ लेके इस तरह, जो बिगिनर है उसके लिए हम दिखा रहे हैं इसी तरह। राइट में जो आया लेफ्ट में लेके दोनों को एक साथ इसी तरह हम बंद करेंगे। हमने हमारा पिछले वीडियो में हमने दिखाए थे बॉर्डर कैसे, हैंड बॉर्डर की बंद इस तरह से। देखिए यह हमारा बंद हो रहा है, हमारा यहाँ पे 20 रह रहा है। देखिए हमने यहाँ पे 20 रखा, अभी इसी तरह हम इसको इधर का 20 छोड़ के हम इसको बंद करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 20 छोड़े, अभी देखिए मिडिल का पोर्शन जो हमारा, हमने देखिए अभी बंद कर दिए। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अभी आप चाहे तो हम ऐसे करते हैं, एक फंदा फंदा एक करके बुनाई कर लेते हैं। ये हम बुनाई पूरी करेंगे क्योंकि इधर का हमने देखिए पूरी किया था, इसीलिए हम ये फंदा को पूरा करने के बाद हम इसे निडिल में छोड़ देंगे। किसी भी एक निडिल में आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम फ्रंट की पार्ट जो है उसे हम उसका काम पूरा करेंगे। ठीक है, फ्रंट हो जाने के बाद हम शोल्डर और बैक और फ्रंट को दोनों को इकट्ठा करेंगे। अभी देखिए हम इस निडिल में इसको, आप चाहे तो अलग से निडिल में ऐसे करके इसे रख दीजिए। अभी हम और एक निडिल से अभी फ्रंट पार्ट की फंदे उठाएंगे। देखिए हमने 60 फंदे उठा के रखे हैं। हमारा बैक पार्ट रेडी है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट की रिब बॉर्डर बुनाई करेंगे इस तरह, जैसे हमने बैक पार्ट की किया था इतना ही रिब बॉर्डर करेंगे यहाँ पर जितना है, और यही डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए अभी हम फ्रंट पार्ट की रिब बॉर्डर शुरू करते हैं। इस रिब बॉर्डर के लिए हमें पहले उल्टी बुनाई, पहले बैक पार्ट करेंगे हम, इसीलिए ये बैक है, दो उल्टा दो सीधा बुनाई करेंगे। फर्स्ट रॉ ऐसी ही होगी। ठीक है, अभी चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की रिब जो पूरी हो गई, देखिए आप देख सकते हो बैक पार्ट की रिब, देखिए ये बराबर एकदम, देखिए बुनाई हो गई। अभी हम यहाँ पर फंदा इंक्रीज करेंगे, जो हमने बैक में किया था यहाँ पर भी 10 फंदा इंक्रीज करेंगे। तो पहले हम उल्टी बुनाई पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम फंदा 10 फंदा इंक्रीज करेंगे और डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन डाले थे, ये हमारा बैक पार्ट है इसीलिए सिंपल एक डिज़ाइन डाले थे। अभी हम फ्रंट में येलो को ज़्यादा करके एक डिज़ाइन देंगे। ठीक है, चलिए हम पहले ये उल्टी बुनाई कर ले। उल्टी देखिए बैक पार्ट में हम उल्टी बुनाई करेंगे, सिर्फ उल्टी बुनाई होगी इसी तरह। ठीक है, इसी तरह सबकी उल्टी बुनाई करने के बाद
जब हम फ्रंट पार्ट में आएंगे, देखिए सबकी उल्टी बुनाई हो जाएगी। उसके बाद जब फ्रंट में आएंगे हम आपको दिखाते हैं कैसे फंदे इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन डाल के दिखाते हैं। देखिए हमने उल्टी बुनाई पूरी की, अभी हम सीधे तरफ हैं। देखिए इस सीधी में अभी हम 10 फंदा इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज़ करने का तरीका हमने हमारा चैनल पे डाला था, आप वो भी कर सकते हो या फिर हम अभी जो करेंगे वो भी कर सकते हो। तो आपको पहले ही डिवीजन कर लेना होगा, 10 फंदे आपको बराबर से इंक्रीज करना होगा। जैसे टू साइड में 1 1 1, इसी तरह 1 2 3 4 5, मिडिल पोर्शन से इस तरफ का 5, इस तरफ का 5, बराबर से होनी चाहिए। देखिए शुरू में एक, उसके बाद एक, ये जो बॉर्डर है इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है यहाँ पर। तो आप एक एक छोड़ के, ठीक है, मिडिल में 10 फंदे इंक्रीज करेंगे। तो अभी हम आपको पहले इंक्रीज करके दिखाएं, अभी हमारी सीधी बुनाई चलती रहेगी, हमें अभी से सीधी बुनाई में इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक करेंगे, देखिए उनको सामने लीजिए और इसी तरह बुनाई। देखिए एक हमारा इंक्रीज हो गया, ये एक तरीका है। या फिर सामने करके पीछे एक बार बुनाई कीजिए, उसके बाद इस सामने एक बार बुनाई कीजिए। देखिए एक इंक्रीज हुआ, दो तरीका आपको हमने बताई। और एक तरीका है हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन को ऐसे ही उठा लीजिए, इसको एक बार बुनाई कीजिए, उसके बाद जो था आपका फंदे उसको। ये भी आसान तरीका है और इसमें दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो आप ये ही करने की कोशिश कीजिएगा। एक हो गया, फोर फाइव सिक्स, हम 10 फंदे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमारा 60 फंदे हैं, इसीलिए हमने डिवीजन कर लिया 6 × 10, या फिर 6 फंदा छोड़ छोड़ के एक इंक्रीज करो। देखिए नीचे का जो ये होता है उठा लीजिए, 1 2, अभी हमारा 2 इंक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 करके। 5 के बाद देखिए नीचे का उठाया, यही अच्छा आसान तरीका है। 3 1 2 3 4 5, नीचे का उठाया, 1 2, देखिए हमारा 4 फंदे इंक्रीज हुआ। अभी हम मिडिल में आ रहे हैं, यहाँ पर एक करेंगे, ठीक है। इसी तरह फंदे पूरा हम इंक्रीज कर ले, उसके बाद आपको डिज़ाइन डाल के दिखाते हैं। देखिए हमने फंदे इंक्रीज करने के बाद डिज़ाइन डाल के, देखिए 10 फंदे इंक्रीज किया, देखा आपने, उसके बाद हमने डिज़ाइन डाल के बुनाई अभी शुरू कर दिया है। अभी हम बैक पार्ट की तरह यहाँ तक आर्म होल तक बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमने, देखिए ये फ्रंट पार्ट की, देखिए आर्म होल बना ली। देखिए आप बैक पार्ट से हमने इसको नाप लिया एकदम नीचे से, फ्रंट पार्ट के साथ हमने नापा। देखिए ऐसे हमने यहाँ पर आर्म होल डाल दिया। अभी देखिए इसकी हम डबल, देखिए इसकी हम डबल बॉर्डर कॉलर करेंगे, डबल बॉर्डर, इसीलिए हमको अभी हम और ऐसे दो उंगली, मतलब एक इंच तक हम बना लेंगे, उसके बाद हम कॉलर बनाएंगे।
कॉलर की शेप डालेंगे। पहले हम इसे एक इंच तक, देखिए एक इंच तक बना लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं।